चलेगी, नहीं चलेगी। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सीबीआई दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। हम सभी लोग कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम साहब को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया है सीबीआई ने, वे किसी प्रकार से भागे नहीं थे। एक न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही थी। माननीय न्यायालय के समक्ष उन्होंने अपना आवेदन दिया था, जिसमें 23 तारीख हियरिंग के लिए रखवा गया, सुनवाई के लिए। बाकायदा प्रेस वार्ता हुई है कि वो सीबीआई और ईडी को मदद नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सरासर गलत है। इतनी पूर्व से प्रक्रिया चल रही है, बाकी और प्रकरण चलेगा उसमें न्यायालय ने राहत दी है। एक ये प्रकरण था जिसमें न्यायालय ने 23 तारीख को सुनवाई के लिए आवेदन रखा है उनका बाकायदा। वो किसी प्रकार से भागे नहीं थे, देश से बाहर नहीं थे। केंद्र सरकार के द्वारा जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है और जितने विपक्षी दल हैं, कांग्रेस सहित, सबको टारगेट करके मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, तोड़ा जा रहा है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा इन सारी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यदि यही क्रम लगातार जारी रहा तो सभी कांग्रेस जन और सारे विपक्षी लोग मिलकर केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। दरअसल सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार किया है। सीबीआई उनसे इस केस से जुड़े सवाल कर रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है और गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।